वैसे तो जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को कम राशन मिलने और अन्य अनियमितताओं की खबर सामने आती रहती है, लेकिन इस बीच जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस व्यवस्था को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कैमूर जिले के भभुआ SFC गोदाम में PDS दुकानदारों को प्रति दुकानदार 4 से 5 क्विंटल गरीबों को वितरित करने वाला सरकारी राशन हर महीने कम मिलता है। PDS दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन राशन वितरण के सिस्टम आने के बाद ऐसी स्थिति में दुकानदारों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। मामला यही है कि हमको SIO के अनुसार माल मिला है 52 क्विंटल 70 kg ये दिसंबर महीना का और 52 क्विंटल 70 kg जनवरी महीने का, जिसमें अंत्योदय PS सभी राशन मिलाकर मेरा टोटल राशन है 105 क्विंटल 40 kg। ये टोटल माल पेपर के अनुसार है मेरा। हमको टोटल 4 क्विंटल 52 kg राशन कम मिला है। हम AGM साहब और ट्रांसपोर्टर से बात रखे कि भाई हमको ये राशन कम क्यों मिला है, हम कैसे लाभुक को दे पाएंगे। तो बोले कि बीच में क्या राशन हुआ, हम इस बात को नहीं जानते हैं, ये राशन नहीं मिलेगा। जब से मशीन हुआ है पल्स मशीन तब से अब तक कोनो महीना ऐसा नहीं है कि 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल 4 क्विंटल 3 क्विंटल कम बरमहल माल मिलता है। कहाँ से? ट्रांसपोर्टर के द्वारा गोदाम से। कौन गोदाम से? भभुआ गोदाम से कम माल मिलता है। कोई कोनो महीना में निश्चित नहीं है कि कम माल मिलेगा। 1 क्विंटल में कितना कम रहता है? 1 क्विंटल में कम कोई बोला में 42 होता है, कोई 43 होता है, 49 होता है, 48 होता है, 45 होता है, 50 तो कोई बोला नहीं होता। इस मामले में PDS दुकानदारों का कहना है कि गोदाम प्रबंधक से शिकायत करने पर AGM कहते हैं कि आपको जहां शिकायत करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन AGM ने साफ तौर पर कहा कि कुछ बोरों का सैंपल जांच कर वजन तय कर लिया जाता है। चूंकि काम बहुत ज़्यादा है, इस समय दिसंबर और जनवरी का दोनों एक साथ खाद्यान्न का उठाव हो रहा है और समय सीमा बहुत कम है, उसमें भी एडिशनल का खाद्यान्न देना है तो एक तरह से 3 महीने का खाद्यान्न हमको 1 महीने के अंदर देना है। तो समय सीमा कम रहने के कारण जैसे 10-20 बोरों के सैंपल ले लिया गया, कि भाई इतना खाद्यान्न हमारा वजन आ रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से दे दिया जाता है। वहीं इस संबंध में जब नेशन न्यूज की टीम ने SFC के जिला पदाधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि किसी डीलर के द्वारा अभी तक ऐसी शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसी कोई शिकायत दर्ज होती है तो जांच टीम बैठाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उन लोगों को तौल करके देने का निर्देश है। वह गोदाम पर भी काटा करके दे सकता है या जो धर्म काटा होता है उस पर भी तौल के दे सकता है। तो इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो कहाँ मिस्टेक होता है? ना, आरोप लगते हैं तो उसका जांच किया जाएगा, उसे AGM से निर्देश दिया जाएगा कि आपको तौल के देना है। हमारे पास अभी कोई आवेदन ऐसा नहीं आया है, नहीं कोई PDS दुकानदार यहाँ कोई आवेदन दिया है। अगर आता है तो सर के स्तर से क्या प्रॉब्लम? जांच किया जाएगा। वहीं एक और जहां जन वितरण प्रणाली के दुकानदार प्रति महीने राशन कम देने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारी का कहना है कि इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या विभाग के आला अधिकारी डीलरों की समस्या का समाधान निकालते हैं या फिर विभागीय मतभेद के कारण हमेशा की तरह जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना होगा।